शाहबाद मारकंडा पहुंचने पर नवनिर्वाचित सांसद नायब सैनी का राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद अपने संबोधन में सैनी ने शाहबाद हलके की जनता का चुनावों में जीत दिलाने के लिए आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम शाहबाद मारकंडा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं नवनिर्वाचित सांसद नायब सैनी और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। माता के भारत माता के भारत माता के बहुत ही सम्मान के आप सबके दिलों की धड़कन आप सबके दुख सुख के साथी शाहबाद की बुलंद आवाज भाई कृष्ण बेदी जी हमारे जिला के कप्तान बहुत ही लोकप्रिय जिलाध्यक्ष भाई धर्मवीर जी मिर्जापुर मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण सभी नेतागण और आज इस स्वागत समारोह में उपस्थित मेरे बहुत ही मान के योग सम्मान के योग पार्टी के सभी पदाधिकारी सभी सरपंचगण मोर्चों के अध्यक्षगण प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण हमारे शक्ति केंद्रों के प्रमुख बूथ के प्रमुख उपस्थित सभी हमारे महिला मोर्चा के पदाधिकारीगण आप सबका मैं इस शाहबाद की पवित्र धरा के ऊपर दिल की गहराइयों से आज आपके चरणों में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। आप सबका स्वागत करने के लिए है। हमारे बीच में पत्रकार बंधु भी बैठे उनका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि जिन्होंने आपके एक एक शब्द को जनता के बीच में पहुँचाने का काम किया एक आवाज बन करके उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परंतु एक बात कहना चाहता हूँ इस बात को साकार किया जो पहले सबसे नगर निगम के 5 मेयर के चुनाव आए 5 के 5 जीत करके और उसके आप सबके आशीर्वाद से आप सबके कठिन परिश्रम से 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके पत्रकार भाई कहते थे कि हमने सर्वे किया कोई कहता था 7 सीटें आएंगी कोई कहता था 8 आएंगी कोई बोलता था 9 आएंगी परंतु मनोहर लाल जी बोलते थे कि 10 की 10 आएंगी। और भाइयों हमने भी आभास किया क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे थे आज जनता ने 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारी बहुमत से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम किया। का विनारा पीछे छूट गया अब तो 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुन करके विधानसभा में जाएंगे। विपक्ष विश्वास हो चुका है कहीं की तो जमानतें जब्त हो गई है उठने का भी सहारा नहीं है ये प्रदेश की जनता ने की। भाइयों आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शाहबाद की पवित्र जनता का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इतना भारी मैंडेट यहाँ से दे करके जतवाने का काम किया है। एक नारा दूंगा आप लोग कहेंगे मैं कहूँगा मोदी जी को जय श्री राम नमो मनो को जय श्री राम। भाइयों मोदी जी को जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम करके रोड़वाद करना चाहता हूँ कि शिरोमणि अकाली दल ने जो फैसला लिया हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा फैसला लिया उन्होंने कहा कि इस देश की गद्दी के ऊपर भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी बैठना चाहिए। मैं उन सब शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दिल की गहराइयों से करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी वो लोग बैठे थे उन्होंने अपने स्थान के ऊपर। अब हम लोग सभी लोग रोड शो के लिए निकलेंगे सभी से आग्रह अनुशासन में रहकर अनुशासन का पालन करते हुए जिन्होंने लगातार 60-70 दिन
दूसरा कोई काम नहीं किया। आज आप सभी के खून पसीने से, आप सभी की तपस्या से, आप सभी के प्रयास से हमारे बहुत ही लाडले साथी किसान और मजदूर की दुख सुख के साथी भाई नायब सैनी जी बहुत बड़े प्रचंड बहुमत से यहां से जीतकर नरेंद्र मोदी जी की टीम में पहुंचाने का आप सभी ने काम किया। इस महान पवित्र भवन के अंदर आप सभी यहां पर बड़े उत्साह के साथ भाई नायब सैनी जी को अभिनंदन और स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। मैं आप सभी के चरणों में सिर झुका के नमस्कार करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं अपने लाडले सांसद का जोरदार तालियां बजा, जोरदार तालियां और जोरदार तालियां पीछे नहीं बजा रहे, जबरदस्त तरीके से साथियों से। अभी बहुत सारे टीम के साथ पूरे शाहबाद नगर में सभी मतदाताओं का धन्यवाद करने के लिए निकलेंगे और सभी से निवेदन है कि हाथ में झंडा लेकर भाई नायब सैनी जी के साथ पूरे नगर में भ्रमण करेंगे, सभी लोगों का भाव प्रकट करेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कल्तार सिंह की रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।